विटेज और आप देख रहे हैं अवितेश वर्मा का एंड टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कोई मैक्रोमैक्स का E353 मॉडल हो और उसका कॉम्बो अगर आपका डैमेज हो गया हो तो उसका कॉम्बो किस टाइप का होता है देखने में, दोनों टच और डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है और किस तरह का उसका बेल्ट वायर है वो कैसा होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप देखिए मेरे चैनल अवितेश वर्मा का एंड टैक्स सॉल्यूशन को, उसको लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसी तरह यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल को देखने के लिए, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि माइक्रोमैक्स का E353 अगर आपका सेट है तो उसका फोल्डर टच किस टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अवितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवितेश वर्मा का एंड टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स मैं ये देखिए जो मॉडल आपको दिख रहा है ये माइक्रोमैक्स का E353 मॉडल है, और इसका जो ये टच है ये देखिए पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। तो हमें क्या करना है कि इसका जो फोल्डर है इस फोल्डर से इसको रिप्लेस करना है। तो मैं आपको इसका जो फोल्डर का जो डिज़ाइन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर नॉर्मल यूज़र हैं आप माइक्रोमैक्स E353 के तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा बेल्ट वायर है जो कि आपको डिस्प्ले को कनेक्ट करता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी में आपका यहाँ पर आपको लाइट का कनेक्शन दिया गया है ये देखिए। उसके बाद ये देखिए अलग से यहाँ पर आपका जो होता है टच का सेक्शन है, ये देखिए पूरा कम्प्लीट है, ये डैमेज है। मैं इसका आपको बढ़िया वाला जो फोल्डर है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह से पूरा का पूरा कॉम्बो आता है, जो कि ये थोड़ा सा हाई कॉपी फोल्डर है। और उसके बाद देखिए ये टच का सेक्शन है, टच का जो है ये एक्चुअली ये सेपरेटर मशीन से चिपकाया हुआ होता है पूरे मशीन से, तो ये इस तरह से आपको देखने में दिख जाएगा। ये देखिए नॉर्मल देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसका कॉम्बो है, कॉम्बो में आपको ये पूरा का पूरा डिस्प्ले का बेल्ट वायर है ये कनेक्ट होगा, और ये टच के लिए अलग से दिया गया है। कुछ कुछ मॉडलों में डिस्प्ले और टच दोनों इनबिल्ट होता है, क्योंकि सैमसंग के जैसे बहुत सारे मॉडलों में ये जो ऊपर का ग्लास होता है सिर्फ ग्लास बेस होता है, और टच जो होता है वो पूरा का पूरा इसमें इनबिल्ट होता है। मतलब समझे कि डिस्प्ले में ही टच इनबिल्ट होता है, पर माइक्रोमैक्स सीरीज़ में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं ये माइक्रोमैक्स E353 मॉडल है, और हमको इसको इसमें फ़िट करना है। तो ये फ़िट करने का वीडियो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा तरीका। तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन किस तरह से है माइक्रोमैक्स, अगर आप जाते हैं मार्केट में तो आप देख सकते हैं कि आपका जो माइक्रोमैक्स E353 है उसका फोल्डर किस टाइप का होगा। ये कॉम्बो है, इसका अलग से ग्लास भी आता है, ग्लास थोड़ा सस्ता होता है, वो 150-200 रुपये या 250 रुपये में मिल जाएगा। और ये कॉम्बो सीरीज़ है इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली होता है, और ये थोड़ा सा महंगा है, ये 1400 समथिंग का है। और इसका थोड़ा सा ये इसमें जो लगा हुआ था ये थी लोकल था, और ये थोड़ा हाई कॉपी है, तो लोकल का जो है ये 950-950 रुपये का जो रेट है, और ये जो हाई कॉपी है ये 1400 रुपये का रेट है। तो इसका जो रियल कॉस्ट है वो 1400 रुपये है, और ये जो कॉपी लेंगे तो आपको 950-950 रुपये मिल जाएगा। तो जो दूसरा वीडियो मैं इसमें कैसे इसको फिट करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल अवितेश वर्मा का एंड टैक्स सॉल्यूशन को देखने के लिए। थैंक यू।